भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। स्वागत है बहुत बहुत अर्थ। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। चलने भाई के मकान मिल रहे हैं, सेंटर की स्कीमें सब मिल रही हैं, ग्राउंड पे आ रही हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान राकेश ठाकुर जी भी सनासर की जो पंचायतें हैं ये हमेशा यहां से अगर लीड थी तो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आप सभी ने साथ दिया है, सहयोग। आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में दें और भारतीय जनता पार्टी को यहां से मजबूत करें। डिस्ट्रिक्ट में उप प्रधान के तौर पर इन्होंने काम किया। आपकी सेवा करना चाहते हैं, आवाम की सेवा करना चाहते हैं, काम किया है आप सभी बली बाती जानते हैं। मोर्चा की कार्यकर्ता और प्रमुख रूप से गुजरात से मेरी, मैं आप सभी को आज के दिन बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा था उसको बुलंद रखा और तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में भेजा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको पीएमओ ऑफिस में मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राकेश ठाकुर जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथियों, जो सेंटर में हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी, तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये 60 साल बाद अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी साथियों। 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम पूरे हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी ने किए साथियों, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम, जो उनकी रफ्तार जो पहले से जो तेज हुई साथियों, वो आर्टिकल 370/35 से हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे रामन के भी विकास बहुत तेजी से चल रहे हैं साथियों। इनका मकसद यही है, जैसे बांग्लादेश की हालत हुई है और जो एनसीपीडीपी की सरकारें हैं ये चाहते हैं कि जो हालत 1996 से पहले हुई वो हालतें आज करना चाहते हैं। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, आपके पास हर एक पार्टी आएगी, हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा, आपने किसी के भावकाय में नहीं आना, किसी की बातों पे नहीं आना है, सिर्फ आपने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को रामन से भारी अक्सरियत से जिताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी राकेश ठाकुर जिंदाबाद। रामन की जनता जिंदाबाद। रामन से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके असेंबली में जाएगा। हम सब की आवाज, रामबन की आवाज असेंबली में गूंजेगी और मोदी जी का आशीर्वाद होगा, मोदी जी की हिदायतों के तरह अनुकूलता से काम होगा और डबल इंजन से हमारी प्रगति होगी। यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया है कि पिछले जो कुछ भी उनके रुके हुए मसाइल थे उनका निवारण अगर हुआ है तो पिछले 10 सालों में, इस तरह से जो तरक्की का एक आलम शुरू हुआ है, अनेकों प्रोजेक्ट्स लगे हुए, लोगों को रोजगार का जरिया उपलब्ध हो रहा है। जहां हम खड़े हैं सनासर में, यहां 50 करोड़ रुपए की लागत से यहां काम शुरू हुआ। ये झील, इसको दरकिनार कर दिया गया था, इसको फिर से रिवाइव किया गया, ये एक टूरिस्ट सड़क का हिस्सा बनेगा। पत्नीटॉप, सनासर, मानतलाई और वहां से मानसर और उधर जाएंगे तो भद्रवा, एक इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुस्तान का एक बहुत अहम टूरिस्ट सर्किट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होने वाला है। हमने लोगों से भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि हम फिर वही हालात चाहेंगे कि बहाल हो जो 5-6 अगस्त 2019 के पहले थे, तो आज समाज से पूछिए। आज ये बहनें खड़ी हैं, डीडीसी की प्रतिनिधि, ये यहां इसलिए खड़ी हो पाई कि मोदी जी ने इस
प्रदेश में जिला परिषद स्थापित की, क्या कारण था? कोई ये सवाल पूछेगा कि 60-70 बरस सारे हिंदुस्तान में जिला परिषद का गठन हो, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खानदानी राज में यकीन करने वाले चाहते ही नहीं थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। आपने पंचायतें गठित कर दी लेकिन 73-74 संशोधन वहां नहीं लगाया, जो कांग्रेस की सरकार में निर्णय हुआ था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस की सरकार थी नहीं लगाया, क्योंकि फिर ऐसा होता कि जो मरकज से केंद्र से राशि आती वो सीधा पंचों सरपंचों तक जाती, वो इन तक इनके घरों तक इनकी तजौरिया तक ना पहुंचती। आज क्या आप चाहेंगे कि बेटियों को जो अधिकार मिले? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कहने पर जाए तो आज हमारी बहने पूछ लीजिए किसी से, क्या चाहेंगे कि अगर हमारी बेटी विवाह करती है जम्मू कश्मीर से बाहर तो उसे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर दें? आज के जमाने में 21वीं सदी में जहां हम एक भौगोलिक दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम इस प्रकार का न्याय अपनी बेटियों के साथ बर्दाश्त करें? और इसलिए ये लड़ाई समाज के विकास की है, ये केवल चुनावी वोट की नहीं है, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है। और इसलिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपनी संतान के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा और उनकी कुशलता के लिए समाज से भी हमारा ये निवेदन, और मुझे विश्वास है कि हमारे विरोध में जो खड़े हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनके परिवार जन भी हम ही को वोट डालेंगे, क्योंकि उनकी गृहणियों तक उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मोदी जी ने पहुंचाया, चाहे वो कांग्रेस का घर था चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घर था। कच्चे मकान को पक्के में बदला मोदी जी ने बदला, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का घर था चाहे वो कांग्रेस वाले का घर था। इसलिए उम्मीदवार अकेले रह जाएंगे, इनके परिवार के सदस्य हमको वोट डालेंगे।